नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा एंड वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज फोक डांसेस ऑफ इंडिया, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। खासतौर से आज का सेशन इज ऑन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के जितने भी लोक नृत्य हैं दैट वील बी कवरिंग टुडे। एक वीडियो पहले आ चुका है फोक डांसेस ऑफ इंडिया में, जिसमें हमने नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के फोक डांसेस देखे थे। एक थर्ड पार्ट भी आएगा, येस आई हैव टोल्ड यू दो पार्ट्स में हो जाएगा पर नहीं हो पाएगा, बड़ा चैप्टर है। सो एक थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें हम सदर्न इंडिया के स्टेट्स के लोक डांसेस फोक डांसेस देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था उसका आंसर देने का टाइम है। तो आपसे पहला क्वेश्चन किया गया था कि कौन सा लद्दाखी डांस है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया था फॉर द लॉन्गेस्ट लद्दाखी डांस, लार्जेस्ट लद्दाखी डांस, एंड द आंसर इज शोंदोल। बहुत अच्छे से बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो ये था कि कौन सा राजस्थानी डांस है जिसको कि यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2010 की लिस्ट में शामिल किया गया, एंड द आंसर इज कालबेलिया। बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्टली आंसर किया, वेरी वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर यू पीपल। ऑलराइट, अच्छा जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है फॉर एनी रीजन, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वीडियो का इस वीडियो से, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट से कोई लिंक नहीं है, अभी फ्रेश देख लीजिए। जो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बाद में उसको स्टडी कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ स्टार्टिंग विद द ईस्टर्न स्टेट्स, पूर्वी राज्यों से शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य जो पढ़ेंगे वो है ओडिशा। ओके, ओडिशा में भी जो सबसे पहला नृत्य लोक नृत्य हम पढ़ेंगे वो है छऊ। कौन सा नृत्य है? छऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। छऊ के बारे में मैं बता दूं, कई जगहों पे इसको फोक की तरह ट्रीट किया जाता है, कई जगहों पे इसको क्लासिकल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। हालांकि ये मैंने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है इसीलिए लिखा है, संगीत नाटक अकादमी यानी कि संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से सिर्फ 8 क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय शैली के नृत्य हैं इंडिया के। ओके, वो अलग से एक वीडियो आएगा क्लासिकल डांस पे। लेकिन अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जहां अपनी वेबसाइट पे 8 क्लासिकल डांस लिस्ट किए हुए हैं ना, उसके साथ छऊ को भी लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चीज़ आपको बता दी कि ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसको प्योरली फोक नहीं माना जाता, प्योरली क्लासिकल नहीं माना जाता, सेमी क्लासिकल कैटेगरी, फोक कैटेगरी और मार्शल कैटेगरी, तीनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं रखा जाता है। ओके, सो छऊ जिस भी कैटेगरी का हो हमें पढ़ना तो है ही, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगी क्योंकि फास्ट पढ़ना है हमें, ठीक है, थोड़ा जल्दी कवर भी करना है, और स्पीड की आदत डालो, थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ने की, दिमाग एक्टिव रहेगा, हर बार बताती हूँ। सो छऊ डांस सेमी क्लासिकल है जिसमें मार्शल, ट्राइबल और फोक ट्रेडिशंस की आपको झलकी मिलेगी। मार्शल क्या होता है? जिसमें युद्ध वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, मार्शल आर्ट जैसे स्टेप्स वगैरह होते हैं, और ट्राइबल आदिवासी टाइम का, और फोक यानी कि लोक नृत्य की झलक आपको देखने को मिलती है। अब छाया, छऊ शब्द जो है वो छाया से बना है, छाया जिसका कि मतलब होता है शैडो। सो छऊ नृत्य में शैडोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसमें मार्शल मूवमेंट्स होते हैं। मास्क यूजुअली पहना जाता है, मुखौटा पहन करके नृत्य किया जाता है अधिकतर, हमेशा नहीं, ओके, वो अभी देखेंगे। और इसमें जो स्टोरीज जिनके ऊपर डांस किया जाता है वो यूजुअली माइथोलॉजिकल होती हैं, देवी देवताओं से जुड़ी हुई होती हैं, कभी कभी सामाजिक चीज़ भी उठा ली जाती है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है। छऊ की मेनली 3 स्टाइल्स ऑफ डांसिंग हैं, ठीक है। ये छऊ जो है ये 3 स्टेट्स में प्रमुख रूप से किया जाता है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर आप मैप पे इन तीनों स्टेट्स की प्लेसिंग देखोगे, तीनों ही पूर्वी यानी ईस्टर्न स्टेट्स हैं। सो ओडिशा, बंगाल और झारखंड, इन तीनों में छऊ चलता है, और तीनों में अलग अलग स्टाइल ऑफ छऊ डांस, फोक डांस प्रचलित है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ चलता है मयूरभंज। कौन सा? मयूरभंज छऊ। अगर हम बात करें झारखंड की, यहाँ चलता है सरायकेला छऊ, और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की, यहाँ चलता है पुरुलिया छऊ। ओके, सो सबसे पहले ओडिशा का याद कर लेते हैं। देखो, मयूर यानी मोर, मोर उड़ता है ना, तो ओडिशा का हो गया मयूरभंज छऊ, याद हो गया। चलिए फिर हम बात करते हैं झारखंड। देखो, केला, केला वैसे तो पेड़ तो नहीं बोलेंगे, प्लांट पे लगता है, पौधे पे लगता है, पर आप ऐसे याद कर सकते हो कि केला झाड़ी में उगता है। जैसे महाराष्ट्र साइड में झाड़ भी कहा जाता है ना, कई जगहों पे पेड़ को झाड़ भी कहा जाता है। सो केला कहाँ उगता है? केला झाड़ में उगता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सरायकेला झारखंड वाला छऊ हो गया। और पुरुलिया, तीसरा जो बचा वो पश्चिम बंगाल का हो गया। वैसे तो सीधे याद रहेगा, नहीं तो देखो पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला होता है वो हम आधा काट काट के नहीं खाते, पूरा खाते हैं, तो बंगाल का रसगुल्ला पूरा अंदर लिया, तो पूरा लिया से पुरुलिया हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्टाइल्स ऑफ डांसिंग याद हो गई, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, यस और नो? वेरी गुड। चलो अब ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने देखा था कालबेलिया को यूनेस्को की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट में शामिल किया गया था ऑफ ह्यूमैनिटी, उसी तरह से जो छऊ नृत्य है वो भी यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2010 में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, सो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? छऊ, ओके, छऊ यानी छाया। अब आज का सवाल टन टन, रेडी है? ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है, जो जल्दी जल्दी बताएगा उसको एक्सेलेंट और हार्ट मिलेगा। हाँ, बिकॉज मैं बताती हूँ आपको कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आधे पौन एक घंटे तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ उसी टाइम और इंस्टेंटली रिप्लाई कर रही होती हूँ, सो वी कैन हैव कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन देयर। चलो, सो आज का सवाल है कि जो अभी मैंने आपको छऊ डांस की 3 स्टाइल बताई हैं, तीन स्टाइल हमने देखी, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाली, उसमें से कौन सा छऊ नृत्य है जिसमें मुखौटे या मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता? 2 डांस फॉर्म्स में किया जाता है, एक में नहीं किया जाता। ठीक है, तो जल्दी से आपको मुझे ये बताना है कि मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया, इन तीनों में से किस में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता? जल्दी जल्दी खटखट खटखट कमेंट करो। ओके, मूविंग ओवर टू अदर डांस फॉर्म्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा में सिर्फ छऊ नहीं है, छऊ के अलावा बहुत सारे और दूसरे फोक डांसेस हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर याद करते हैं। चलो, सो सबसे पहला कौन सा है? पाइका, वेरी इंपॉर्टेंट। पाइका ये अगेन मार्शल फोक डांस है सदर्न उड़ीसा का, और पाइका का मतलब होता है बैटल, युद्ध, पाइका। ठीक है, और ये रही इसकी फोटो, पाइका तलवार वलवार लेकर के डांस हो रहा है। फिर दूसरा है दंड यात्रा। दंड, दंड समझते हैं ना, खुद को पनिश वनिश करना एंड ऑल ऑफ दैट, दंड यात्रा। तो दंड यात्रा या दंड नाट भी इसको बोलते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक आर्ट्स है इंडिया का, है ना। इसमें थोड़ा सा ड्रामा वाला पार्ट भी होता है, म्यूजिक भी होता है, डांस भी होता है, सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसको फोक आर्ट माना जाता है। मेल्स करते हैं और इसमें काली और शिव की पूजा, ये जो दंड पीरियड होता है, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि हम हमारे जो भी काम है उनके लिए दंड हम भोग रहे हैं, हम उसका पश्चाताप कर लें तो वो उतर जाएंगे, इस तरह का कुछ मान्यता होती है। और ये एक पीरियड होता है जब किसी ना किसी तरह का व्रत रखा जाता है, कुछ चीज़ों से दूर रहा जाता है, तो उस समय काली और शिव की पूजा की जाती है और फिर ये यात्रा निकाली जाती है, बहुत से कर्तव्य और डांस और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, सो दंड यात्रा। फिर है दलखाई, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुनारी, सवारी, घुमारा, झूमर। ओके, घूमरा, घूमरा और झूमर, ये सारी बाकी डांस हैं। तो जल्दी से याद कर लेते हैं ओडिशा के फोक डांसेस। अब देखो, पैका से मिलता जुलता वर्ड हो सकता है फेंका, है ना। युद्ध में जब हम वॉर में लड़ रहे होते हैं, इस तरह से डांस कर रहे होते हैं, हमने किसी को फेंका, तो किसी को फेंकेंगे तो उड़ के जाके गिरेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो किसी को फेंका यानी वो हवा में उड़ करके गिरेगा, तो उड़ीसा से फेंका का रिलेशनशिप हो जाएगा। पैका, पैका, उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है, मैं पुराना नाम बोलूँ तो भी चलना चाहिए, ओडिशा। ठीक है, फिर देखो, अगर कोई किसी को फेंकेगा तो दंड तो मिलना चाहिए, गलत बात है, किसी को ऐसे फेंकते नहीं उठा के, तो दंड मिलना चाहिए, तो दंड, है ना, ये हो जाएगा। अब दंड यात्रा से ही हम बाकी चीज़ें फटाफट एसोसिएट कर लेते हैं। दंड यात्रा याद रहेगा आपको, ओडिशा का है। हाँ, किसी को हमने फेंका, ओके, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दंड यात्रा जब होती है तो आप एकदम आपके होश उड़ जाते हैं कि अरे किस तरह से सारा सेरेमनी क्रिएट हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, कैसे भी कर सकते हैं आप। पैका से दंड को कर लो। अब देखो, जब दंड यात्रा जाती है, तो कोई ना कोई सवारी, हालांकि होती नहीं, तो आप इमेजिन कर लो, कोई सवारी होती है, सवारी मुनारी, कोई घूम रहा होता है, कोई झूम रहा होता है, है ना। दल में सवारी निकलती है, यानी बहुत सारे लोग झुंड में निकलते हैं, तो ये सारा आप इसे दंड यात्रा से एसोसिएट कर सकते हो। तो पैका, फेंका तो उड़ा तो उड़ीसा, पैका तो हमने दंड दिया तो दंड यात्रा हो गया, और दंड यात्रा यात्रा है तो यात्रा से हमने सवारी, मुनारी, कोई घूम रहा है, कोई झूम रहा है, दल में जा रहे हैं, तो ये सारे नाम हमने इनसे एसोसिएट कर लिए। ओके, छोटे छोटे हिंट की आपको ज़रूरत है, बाकी आपको ऑफकोर्स एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आपको फटाफट से इंस्टेंट रिकॉल हो जाएगा क्या आंसर है। चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट इज वेस्ट बंगाल। कौन कौन से नृत्य हैं जल्दी से देखते हैं। गंभीर, गंभीर कीर्तन नृत्य या कीर्तन डांस, अलकाप, ढली, जत्रा, दोमनी, धुनाची, पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ हमने देखा था, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला हमने पूरा लिया, तो पुरुलिया छऊ हमें पता है। ठीक है, अब देखो जो पास पास के स्टेट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डांस फॉर्म शेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़े से नाम वैसे देखने को मिल जाएंगे, जैसे यात्रा यहाँ पे भी निकाली जाती है। गंभीर, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? गंभीर है, पुरुलिया छऊ है, कीर्तन है, अलकाप है। ओके, तो अब देखिए कि पुरुलिया तो हो गया, अब गंभीर। वेस्ट बंगाल में ना पोइट्स, राइटर्स, ऑथर्स ये बहुत होते हैं, बहुत से लोग लिटरेरी काम करते हैं, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर वाला साइड हो गया। सो बहुत से लोग लिटरेरी वर्क करते हैं, तो बहुत गंभीर किस्म के लोग होते हैं, ऐसा समझिए। बहुत मजाक भी करते होंगे, मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ। तो बंगाल के लोग बहुत गंभीर होते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो थोड़ा गंभीर रहते हैं। तो गंभीर नृत्य कहाँ का हो गया? लोक नृत्य वेस्ट बंगाल का हो गया। ओके, अच्छा अब देखो दुर्गा पूजा वगैरह बहुत की जाती है उस साइड में, तो कीर्तन भी बहुत होता होगा, तो कीर्तन डांस भी वहाँ का हो गया। अब कीर्तन हो रहा है तो गाना वाना होगा, तो आलाप लिए जाएंगे, आलाप लिए जाएंगे। तो अलकाप, अलकाप भी कहाँ का हो गया? वेस्ट बंगाल का हो गया। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट थे वो याद हो गए। उसके अलावा थोड़े ढली, दोमनी, धुनाची। तो अब देखो जब आप कीर्तन करते हो तो धुन में हो जाते हो एकदम, तो धुनाची आप याद रख सकते हो। हाँ, और कब दिन ढल गया कब शाम ढल गई पता नहीं पड़ता, आप धुन में ही कीर्तन किए जा रहे हो, तो कब ढल गया नहीं पता, तो ढली हो जाएगा। इस तरह से आप रिमेनिंग भी याद कर सकते हैं। ओके, याद हो गया, चले आगे। मूविंग ओवर टू अनदर स्टेट विच इज झारखंड। कौन सा स्टेट है? अब झारखंड आ गया। तो झारखंड के लिए हमारा ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिएगा, झाड़ी। हाँ, पहले स्टेट के डांसेस पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कौन कौन से डांसेस हैं। पैका, देखो पैका भी कहाँ किया था? फेंका, तो वो उड़ करके गया, तो उड़ीसा का डांस था, ये झारखंड में भी है पैका। सरायकेला छऊ, ये देखा था हमने छऊ का, सरायकेला, केला झाड़ी में उगता है तो सरायकेला छऊ। बाकी देख लेते हैं। मुंडारी, धमच, झूमटा या धामकच, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, करम नाच, झीका डांगा, बरोआ, ये सारे हैं झारखंड के फोक डांसेस। जब ये पूरा आप कंपाइल कर रहे थे ना, तो हमने झारखंड की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे देखा एक बहुत प्यारा सा वीडियो बना करके उन्होंने डाला हुआ है, करीब 38-39 मिनट्स का एक डॉक्यूमेंट्री है। उसमें ओरिजिनल ये जो डांस करते हुए जो ट्राइबल्स हैं उनको दिखा रखा है, बहुत मजा आया उसको देख करके। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत नहीं, उसका सारा क्रक्स हमने यहाँ डाल दिया है। पर कभी फ्री हो, कभी वाकई में देखना हो कि ट्राइब्स में किस तरह से ये डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, तो देखिएगा कभी जा करके झारखंड की वेबसाइट पे। एनीवेज, चलिए। सो पैका, अब देखो पैका हमने जब फेंका तो वो इंसान जाकर के कहाँ गिरा? झाड़ी में गिरा। तो पैका उड़ने से उड़ीसा का भी हो गया, झाड़ी से झारखंड का भी हो गया। सरायकेला, केला झाड़ी में, तो सरायकेला छऊ भी हो गया था। अब ये देख लो, एक इंसान जब झाड़ी में जाकर के गिरेगा तो मुंडी फंस गई उसकी झाड़ी में, ऐसे याद रख सकते हैं। मुंडी समझते हैं, मुंडी यानी सिर, है ना। मुंडी अगर फंसेगी झाड़ी में तो मुंडारी डांस कहाँ का हो गया? यहाँ का। हालांकि मुंडारी डांस जो है वो नए जो नवविवाहित लोग होते हैं ना, उनको सेलिब्रेट करने के लिए डांस किया जाता है। तो मुंह दिखाई होती है, मुंडा दिखाओ आपका कैसा है, ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। लेकिन हमें झाड़ी से एसोसिएट करना है, तो जब इंसान को हमने फेंका तो उसका मुंडा झाड़ी में फंस गया, तो झारखंड का हो गया कौन सा डांस? मुंडारी, मुंडारी। फिर देखो दमकच, झुमटा और दमकच। तो एक इंसान का मुंडा जब झाड़ियों में फंसे, आई एम सो सॉरी, इन वाहियात चीज़ों से याद हो जाएगा आपको, तो उसका दम घुटेगा, दम कुछ तो निकलेगा कि अरे चुभ गए कांटे वांटे, तो दम कुछ तो निकलेगा। तो ये दमकच, झूमर, झुमटा हो गया और दमकच, ये दो नृत्य यहाँ से याद आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देख लो जनानी झूमर और मर्दाना झूमर। तो ये झूमर या झूमर जो भी नृत्य होता है, ये मैंने आपको बताया था हार्वेस्ट से रिलेटेड होता है, हमने नॉर्थ इंडिया में भी पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पे दो तरह के झूमर होते हैं, एक जो औरतें करती हैं और एक जो पुरुष करते हैं। जो औरतें करती हैं वो बुआई के समय, यानी कि जब कल्टिवेशन किया जा रहा होता है, बीज बोए जा रहे होते हैं, उस समय किया जाता है। और जो मर्दाना झूमर है वो हार्वेस्ट के टाइम, यानी जब फसल काटी जा रही होती है तब किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जनानी झूमर कब होगा? फसल बोते समय, कल्टिवेशन के समय। और मर्दाना झूमर कब होगा? हार्वेस्ट यानी फसल काटने के समय होगा। ओके, करम नाच इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। करम नाच कई जगह इंग्लिश बुक्स में आपको ये KARMA कर्म नाच की तरह लिखेगा, ये करम नाच है। ओके, करम नाच या करम नृत्य क्या है? बेसिकली करम वर्ड लिया गया कदम से, है ना। कदम्ब वृक्ष जो होता है, कदम्ब, तो ये कदम वृक्ष को पूजते हैं। ये छोटा नागपुर प्लेटो का ये डांस फॉर्म है, और ये जो ट्राइब होती है जो इसको करती है, ओरांग, ओरांग लोग करते हैं, तो वो कदम वृक्ष को पूजते हैं और उसी की वर्शिप के दौरान ये डांस किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे याद रखिएगा, करम, कदम। हाँ, और ये वृक्ष है, ये झाड़ी है, तो दोनों एसोसिएट हो सकते हैं। तो झारखंड का है कदम से करम नृत्य या नाच। फिर झीका डांगा बरोआ, ये और डांस फॉर्म्स हैं जो आप याद रख सकते हो। देखो झाड़ी से झ, तो झीखा झाड़ी, डांगा बरोआ। फाइन, सो फटाफट से रिवीजन करना है। फेंका झाड़ी में गिरा तो पेका झारखंड का हो गया, केला झारखंड का हो गया, फिर मुंडी अटक गई थी झाड़ी में तो मुंडारी यहाँ का हो गया, और दम कुछ तो निकलेगा तो दमकच, झूमटा और दमकच यहाँ का हो गया। ठीक है, फिर हमने बोला था कि यहाँ पे भी बुआई और कटाई होगी तो कौन सा डांस होता है, उसके लिए झूमर होता है, तो मर्दाना झूमर जनाना झूमर होगा और कदम रक्षे करम नाच हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ओवर टू अनदर स्टेट। हाँ, जिन्होंने पहला वीडियो देखा था वो बिहार कर चुके हैं। ठीक है, वो गलती से उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट हो गया था, कोई बात नहीं, दो मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स लेंगे, फटाफट से उन बच्चों के लिए रिवीजन कर देते हैं जो सिर्फ इस वीडियो से जुड़े हैं। ठीक है, बिहार एक और स्टेट है पूर्वी साइड में, तो इसमें जाट, जाटिन, विदेशिया, जुमरी, फगुआ, पानी की, बखो, बखैन, बिरह, सोहारा, जिझिया, ये नृत्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जाट जाटिन, बिल्कुल टिप्स पर रटा हुआ होना चाहिए। तो हमने जो इसकी ट्रिक टेक्निक लगाई थी, बहुत फास्ट तरीके से मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ कि जाट जाटिन, जो जाट था वो विदेश चला गया कमाने, और जो जाटिन थी वो बिरह में आ गई, यानी दूरी में आ गई। तो अब वो सोच रही है मैं बक बक किससे करूं, घर का पानी कौन भरेगा, मैं झिकझिक किससे करूं, फाग यानी होली किसके साथ खेलूं। तो इस तरह से हमने ये सारे जो लोक नृत्य थे वो याद किए थे बिहार के। जाट जाटिन आपको याद सीधा होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विदेशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट मैटर। सो इसके साथ हम ईस्टर्न स्टेट्स खत्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेंट्रल स्टेट्स, दो स्टेट्स जो सेंट्रल इंडिया को यानी कि मध्य भारत को कवर करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश पे। सो मध्य प्रदेश के नृत्य देखते हैं, जवारा, मटकी, फूलपति, गृदा और चारकुला। ठीक है, प्यारे प्यारे से नाम है, तो नाम वैसे वो भी बहुत प्यारे थे, है ना, जो जितना अथरंगा नाम होता है उतना अच्छे से याद हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में जवारा हार्वेस्ट डांस, जब ज्वार वार कटेगा, खेती फसल कटती है तो होता है, और इसमें खास बात यह है कि भाई जवारे की टोकरी ओकरी सिर पे रख के और बैलेंस करते हुए डांस किया जाता है, और ये बुंदेलखंड रीजन में होता है। ओके, देन मटकी जैसे दिखा रखा है, मटकी सिर पे रख करके और फिर ये डांस किया जाता है। कई बार बच्चे इसको राजस्थान से कंफ्यूज करते हैं, मटकी डांस राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। ओके, और इसके जो वेरिएंट्स हैं यानी जो थोड़े अलग अलग तरह से मटकी डांस होता है, तो उसमें आड़ा नाच, खड़ा नाच ये भी इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है फूलपत्ती जो है वो बालिकाएं करती हैं, महिलाएं नहीं करती, अनमैरिड गर्ल्स करती हैं, यानी कि बच्चियां करती हैं। और फिर आता है गृदा और चारकुला। ठीक है, पढ़ लिए, याद करने फटाफट। ओके, सो मध्य प्रदेश जवारा से देखो, जवारा एक तरह की फसल है यानी कि क्रॉप है ना, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब होता है, तो जवारा है ज्वार। सो कृषि हमारे इंडिया में बिल्कुल केंद्र इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे अभी पूरा वो किसान आंदोलन चल ही रहा है पूरा। ठीक है, तो किसान हमारे भारत के दिल में यानी केंद्र में है, तो जवारा किसान से जुड़ा हुआ हो गया ना, तो जवारा खेती वेती वो एकदम भारत के मध्य में है, तो जवारा डांस हो जाएगा कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, जवारा वैसे आप सीधे भी याद रख सकते थे, कोई बात नहीं। अब देखो, जवारा अगर आपको बोना है तो आपको मटकी से पानी भी डालना पड़ेगा, तो मटकी डांस आ गया। हाँ, अब ये वाली मटकी देख लो साहब, इस मटकी पे फूल पत्ती बनी हुई है, दिख रही है डिजाइन, हाँ फूल पत्ती की डिजाइन, तो मटकी से अब हम एसोसिएट करेंगे। कितनी मटकी है, 4 मटकी है, फूल पत्ती बनी हुई है, तो फूल पत्ती मध्य प्रदेश का हो गया, 4 से चारकुला मध्य प्रदेश का हो गया। ओके, और गर्दन एकदम बैलेंस करनी पड़ती है, तो गृदा याद रख सकते हो आप इससे। ठीक है, सो हमने सबसे पहले जवारा किया, जवारा मध्य में रहता है, मतलब कृषि मध्य में रहती है, तो मध्य प्रदेश हो गया। जवारा उगाने के लिए हमें मटके से पानी देना है, तो मटकी नृत्य हो गया। मटकी 4 है तो चारकुला हो गया, मटकी पे फूल पत्ती बनी है तो फूल पत्ती हो गई, और मटकी गर्दन पे बैलेंस करनी है तो गृदा हो गया। ये सारे डांस हो गए कहाँ के, मध्य प्रदेश के। डन, कूल, ओके। मूविंग ओवर टू अनदर स्टेट विच इज छत्तीसगढ़। 36 यानी 36 है ना, ऐसे हम इसको याद रखते हैं। छत्तीसगढ़, 36 का आंकड़ा या फिर 36 किलो का कुछ होगा या 36 नंबर कुछ होगा, इससे हम छत्तीसगढ़ याद रख सकते हैं। चलिए, कौन कौन से लोक नृत्य हैं जल्दी देखते हैं, बहुत रंग बिरंगे से लोक नृत्य हैं। गौर मारिया, गौर, जब मैंने नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था वहाँ पे एक जानवर दिखाया था, गौर, बाइसन, इंडियन बाइसन, ये वो है। ठीक है, गौर मारिया, राउत नाच, पंथी, सैला सुआ, गेंडी, सैलासुआ, गेंडी। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से नाम हैं, जल्दी से अब इनको याद करते हैं। देखो ये सारे पिक्चर्स लगा रखे हैं, गौर मारिया है, ये देखो, ये जो आपको सींग दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये एक्चुअली में गौर को यानी कि इंडियन बाइसन को मार करके और फिर उसके सींग ये ट्राइबल्स पहनते हैं। ये राउत नाच है जो कि यादव कम्युनिटी करती है दिवाली के समय, पंख वंख लगा रखे हैं और कोई भगवान बनाए, कोई कुछ बनाए। और ये पंथी है जो कि एक पंथ, एक समुदाय, एक कम्युनिटी है, सतनामी पंथ या सतनामी कम्युनिटी, जो कि किसके डिवोटीज हैं, गुरु घासीदास के। ये भी नेशनल पार्क में हमने देखा था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, सो उन्हीं के नाम पे है ये। तो गुरु घासीदास के जो पंथ वाले हैं वो ये डांस करते हैं पंथी नृत्य, और बाकी सैलासुआ गेंडी दूसरे नृत्य हैं। समझ लिया? चलो अब पढ़े, मतलब याद करें। तो छत्तीसगढ़ देखो, ये जो आपको सींग दिख रहे हैं ना, ये 36 गौर को मार करके इन लोगों ने और सींग पहने। कितने गौर को मारा? 36 गौर को मारा। तो गौर बाइसन है ना। अब यहाँ तो उसकी फोटो मैंने लगाई नहीं है, बड़े बड़े भैंसे जैसा होता है, बैल जैसा समझो आप, ऑक्स जैसा, है ना। सो गौर मारिया, गौर को मारने वाली ये ट्राइब कम्युनिटी है, तो गौर मारिया ऐसे आप याद रखें। 36 गौर मारे तो गौर मारिया छत्तीसगढ़ का हो गया। ओके, और कब मारे भाई? रात को मारे। कब मारे? रात को मारे, दिन में नहीं मारे। बच्चे बच्चे डर जाएंगे ना, क्या खून खराब हो रखा है। तो 36 गौर रात को मारे हैं, तो 36 गौर का हो गया गौर मारिया से गौर मारिया और रात। ओके, और गुरु घासीदास से आप याद रख सकते हैं, उनके पंथ वाले लोग जो नाच करते हैं वो पंथी हो गया। और ये इनका संबंध किनसे है? गुरु घासीदास का छत्तीसगढ़ से, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। ओके, और सैलासुआ गेंडी, अब मारोगे तो किससे मारोगे? गेंडी समझते हो, बर्तन वर्तन पकड़ने के लिए जो गेंडी इस्तेमाल करते हैं ना। सो नहीं तो ऐसा देख लो, गौर गेंडा, ये जानवरों के नाम आ जाते हैं, तो गौर गेंडा। नहीं तो शूल से और सुए से और गेंडे से, इन सब गेंडी से, इन सब चीज़ों से आपने मारा, तो ये सैलासुआ गेंडी इस तरह से याद रखा जा सकता है। इनको औजारों की तरह से इमेजिन कर सकते हो, सैलासुआ गेंडी। ओके, चलिए मूविंग ओवर टू, ये सेंट्रल स्टेट्स हो गए। अब हम चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों पे, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, जल्दी से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटा सा सिक्किम, है ना, विच इज फेमस फॉर, कौन सी पीक है वहां पे? कंचनजंगा। चलो, तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से देखते हैं? सिंघी छाम, छाम मतलब डांस, है ना, सिंघी छाम, चुफात, याक छाम, रिचुनमा, मरूनी। ओके, नाम देख लिया हमने, ये सिंघी छाम और ये याक छाम। वो मूवी थी ना जब वी मेट, मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुमको पिया, मुझे तो मिला तू ही, उसमें वो बैकग्राउंड में डांस चल रहे हैं ना, वो याक और ये सिंघी छाम डांसर्स चल रहे होते हैं, परफॉर्मर्स, और वो आगे करीना कपूर जी डांस कर रही होती है। ठीक है, ये वही वाला है, सिक्किम वाला एरिया। चलिए, उन्होंने, हम कहाँ पहुँच गए मूवी में? ओके, वापस आ जाओ। सिंघी छाम, चुफात, याक छाम, रिचुनमा और मरूनी। सो देखो, इसको हम याद करेंगे कंचनजंगा से ही। कंचनजंगा की ही वर्शिप के लिए काफ़ी सारे डांसेस तो किए जाते हैं, जो इतना मेजेस्टिक पर्वत है। तो जैसे सिंघी छाम है, सिंघी छाम का मतलब होता है स्नो लायन डांस। सिंह, सिंह समझते हैं ना, लायन, तो ये सिंघी छाम। वहाँ पे कौन सा लायन मिलेगा? ये अपना गिर का लायन तो मिलेगा नहीं, एशियाटिक लायन, स्नो लायन। तो स्नो लायन के लिए डांस होता है, और ये ट्रिब्यूट है कंचनजंगा पीक के लिए। चुफात जो है, चुफात भी वो चुका मतलब होता है स्नो रेंज, है ना, स्नो वाली पहाड़ियाँ, और फात का मतलब होता है वर्शिप, तो चुफात भी वही डांस है। याक छाम, जो याक बनकर के डांस किया जा रहा है, और ये सारे इसी तरह के डांसेस हैं। ठीक है, तो सिक्किम से आप कंचनजंगा याद रखोगे, कंचनजंगा में स्नो लायन याद रखोगे, और उससे आपको लायन से सिंघी छाम, सिंह और याक, तो सिंघी छाम और याक छाम तो ऐसे याद हो गए। ठीक है, और आप कंचनजंगा को छू सकते हो क्या? बहुत आसानी से उसकी पीक को नहीं छू सकते हो ना, तो इससे आप छू से चुफात याद रखोगे। ओके, और ये जो सिंह और याक है ना, ये बहुत प्यारे, ये मारते नहीं है, मारूनी, ये मारूनी भाई आराम से रहते हैं। ठीक है, तो मारूनी आप याद कर लीजिए। और रिचुनमा, रिचा को पर्टिकुलरली ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर रिचा को पर्टिकुलरली जब वी मेट मूवी बहुत अच्छी लगती है, जिसमें ये डांस फॉर्म्स दिखाए गए थे, तो इससे आप रिचुनमा याद रख सकते हो। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद सिक्किम। सिक्किम में सिंह से कौन सा हो गया? सिंघी छाम, सिंह है तो याक, याक छाम। ओके, ये दोनों मारते नहीं है तो मारूनी। हम कंचनजंगा को छू नहीं सकते तो छुफात हो गया, और रिचा को ये डांसेस बहुत अच्छे लगते हैं तो रिचुनमा हो गया। डन, बोलो यस। ओके, मूविंग ओवर टू नेक्स्ट स्टेट, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश सबसे हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है ना, पूर्वी भी हो जाता है, उत्तर पूर्वी भी हो जाता है। चलो, कौन कौन से डांसेस हैं? अजिलामू, चलो। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेंट के साथ तो हम बोल नहीं सकते ना। हिरी कानिंग, पोपेर पोनंग, पासी कोंकी, रेखाम पडा, रोप्पी। मेरे को जितना समझ में आता था मैंने उस तरह से प्रोनाउंस कर दिया है। आई एम वेरी श्योर अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन होगा कई जगह पे, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अपना पॉसिबल बेस्ट करना ज़रूरी है। सो अरुणाचल प्रदेश के सारे डांस फॉर्म्स हैं। अजिलामू का पिक्चर लगा हुआ है, अब याद करना है, इंपॉर्टेंट है याद करना। तो देखो, इसके लिए अरुण की मम्मी है ना, अरुणाचल के लिए हम पिक्चर लेंगे अरुण की मम्मी। अरुण की मम्मी का क्या नाम है? रेखा, मेरी मम्मी का भी नाम यही है। यस, मेरी मामा का नाम है रेखा, ठीक है। तो अरुण की मम्मी रेखा, अब वो बोल रही है ना, क्या बोल रही है अरुण की मम्मी रेखा जी, अजी चलो, अजी बोलते हैं ना हस्बैंड को, अजी चलो खाना लग गया, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अजी चलो खाना लग गया। अब खाना लगा तो भाई अरुण भी आके बैठेगा, अरुण की मम्मी बुला रही है तो सिर्फ पापा को थोड़ी बुलाएगी, अरुण भी आ रहा है तो अरुण क्या बोल रहे हैं, पॉप फोन पास करो। आजकल की जनरेशन बिना हाथ में फ़ोन लिए खाना खाती नहीं है, है ना। मेरी छुटकी के साथ भी ये प्रॉब्लम है, 4 साल की है मैडम, 4.5 साल की, पर कुछ ना कुछ देखने को चाहिए रहता है, टीवी दिखा दो, फ़ोन दिखा दो, हम दिखाते नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। सो अरुण की मम्मी रेखा वो बुला रही है, अजी चलो खाना लग गया, और इतने में अरुण आते हैं और अरुण क्या बोल रहा है, पॉप फोन पास करो। तो ये सारे हो जाएंगे अरुण की मम्मी, है ना। तो अरुण अरुणाचल हो गया, रेखा, रेखा से हो गया कौन सा डांस, रेखम पड़ा। उसके बाद अजी चलो तो अजी लामू, चलो से शालो हो गया, खाना से हिरी खानी हो गया, पॉप फोन पास करो, पॉपिर फोनुंग पासी। और ये कोंकी तो आप सीधे याद रख सकते हो, कोंकी, कोंकी कोई बात नहीं, कभी कभी एक आध नाम सीधे भी याद रखेंगे हम, है ना। मूविंग ओवर टू नागालैंड, नागालैंड फुल ऑफ कलरफुल डांस फॉर्म्स अगेन। तो कौन कौन से डांस हैं जल्दी से देखते हैं, चांगलो, सुआलुआ भी बोलते हैं इसको, खाम्बलिम, रंगमा, जेलियांग और खैवा। तो ये सारे डांस फॉर्म्स हैं जिसमें हमने चांगलो की और जेलियांग की फोटो लगा रखी है, बाकियों की नहीं लगा रखी है, कोई बात नहीं, याद करते हैं। तो नाग को देखते ही, है ना, अगर कोबरा ओबरा जैसे नाग दिख जाते हैं, उसको देखते ही हम छलांग लगा लेते हैं, नाग। तो या तो बेड पे छलांग लगाओगे, बेड वेड नहीं है कहीं, खंबा हो तो खंबे पे चढ़ जाओगे, है ना। नाग को देख के हम छलांग लगा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है खा जाएगा, है ना, ये खा जाएगा। तो नाग को देखते ही हम छलांग लगाते हैं, ओके। तो छलांग से चांगलो, ओके। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, नाग को देखते हमारा रंग चेंज हो जाता है ना, पीले पड़ जाता है ना इंसान डर के मारे, तो वैसे याद रख सकते हो, नाग को देखते हमारा रंग चेंज हो जाता है, तो आप इससे रंगमा और चेंज से चांगलो ऐसे भी कर सकते हो। और क्यों रंग चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है नाग हमें खा जाएगा, तो खाएवा, खाएवा, ओके। एंड जेलियांग, जेलियांग जहर होता है उसमें, जहर ज जेलियांग ऐसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ये आपको करना पड़ेगा, है ना, जेलियांग के लिए और कुछ भी नहीं है। तो नाग को देखते ही हमारा रंग चेंज हो जाता है, ये वाला ले लेते हैं, और क्योंकि उसको लगता है कि हमें खा जाएगा। और जेलियांग एक अलग से हमें याद रखना पड़ेगा, जेलियांग नथिंग। सो रंग से रंगमा, रंग चेंज से रंगमा, जो कि एक बैम्बू डांस है बेसिकली, ओके। और इसको वॉर डांस ऑफ नागास भी कहा जाता है। और चेंज हो जाता है रंग से चांगलो, जिसको सुआलुआ भी कहते हैं। और खंबा, हम खंबे पे भी चढ़ जाते हैं नाग से डर के, तो खाम्बालिम और जेलियांग और खायवा, ये सारे डांसेस कहाँ के हो गए, नागालैंड के हो गए। मूविंग ओवर टू मणिपुर, तो मणिपुर के जल्दी से डांस फॉर्म्स देख लेते हैं। सांगता, जो कि एक मार्शल डांस फॉर्म है, ये याद रखिएगा, है ना, आपसे पूछे जा सकते हैं 3-4 डांस फॉर्म देकर के कि इनमें से कौन सा मार्शल नहीं है या कौन सा मार्शल डांस फॉर्म है। तो मार्शल डांस फॉर्म्स आप अलग से थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखिएगा। इसमें जो थांगता है, तो थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड यानी तलवार, और ता का मतलब होता है स्पेयर यानी भाला, तलवार भाले से को यूज करके किया हुआ ये डांस है, ओके। ये रहा थांगता, दिस वन। देन पुंग श्लोम, जिसको ड्रम डांस भी बोलते हैं, ये रहा पुंग श्लोम, ओके। और फिर आता है लुईवत, फिजैक या फेजाक, देन शिमलांग, जिसको फ्लाई डांस भी बोलते हैं, और रखल, नाट, राश, महाराश और रौखत। रास बोलते हैं ना जैसे हमारे यहाँ पे, तो उसको राश बोल देते हैं वहाँ पे, तो ये महाराश, नटराश, ये वहाँ पे ये सारे हो गए, ठीक है। ये देखो, ये 2 डांस फॉर्म्स की फोटो यहाँ लगा रखे, लुईवत फेजाक डांस ये है, और ये शिमलांग डांस जिसको फ्लाई डांस भी बोलते हैं, इनके सर पे देखो फ्लाई के पंख जैसा कुछ लगा के रखा हुआ है, ओके। अब याद कर लेते हैं, ओके। तो मणिपुर के लिए हमारा इमेज रहेगा मनी, पैसा, मनी, हाँ। तो अगर आपको थान खरीदना है, थान समझते हैं कपड़े का थान, लंबे लंबे कपड़े, है ना, तो कपड़े का अगर आपको थान खरीदना है तो मनी चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। तो हम इंडिविजुअल एसोसिएशन करते हैं, तो थान चाहिए तो मनी लगेगा, तो थांगला हो गया, कहाँ थांगता हो गया, कहाँ का, मणिपुर का, ओके। देन पुंशलोम, पुंशलोम, अब पुंशलोम के लिए बेसिकली या तो आप पुंगी ले लो कि पुंगी खरीदने तो भी मनी लगेगा, है ना, नहीं तो अगर आपको कहीं जाना है, चलो घूमते हैं कहीं, है ना, तो भी आपको पैसा लगेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, इसका कुछ बहुत ज़्यादा वैसा नहीं हो रखा है। लुईवत फेजाक, अगर आपको फिज़ा में घूमना है कहीं, लुईवत फिजाक, फिजाओं में घूमना यानी टूरिज्म के लिए जाना है तो मनी लगेगा, तो मणिपुर का हो गया ये। शिमला मिर्च खरीदनी है, शिमला मिर्च, तो भी आपको मनी लगेगा। और बाकी आप ये देख लो, अगर रास देखने जाना है टिकट विकेट लगेगी तो नटराश और महाराश ऐसा हो जाएगा। रौकत यानी शानो शौकत चाहिए तो भी मनी चाहिए, तो इस तरह से आप मनी से एसोसिएट कर सकते हो। तो थान चाहिए तो थानटा हो गया मणिपुर का। उसके बाद अगर आपको क्या क्या था, फिज़ाओं में घूमना है तो लेविस फैजाक हो गया, तो उसके लिए आपको चाहिए। और शिमला मिर्च चाहिए तो शिमलाम हो गया। देन ये पुंग शोलोम का नहीं हुआ बस कुछ, ठीक है, तो पुंग के लिए आप पुंगी ले लीजिए, अच्छा है। पुंगी खरीदनी है, पुंगी होती है ना जो बजाते हैं पी पी पी, पुंगी खरीदनी तो भी मनी चाहिए। फाइन, सो ये सारे डांस फॉर्म्स हो जाते हैं मणिपुर के। मूविंग ओवर टू मिजोरम। मिजोरम के जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म जो है वो है चिराओ डांस, ठीक है। चिराओ डांस या चिराओ डांस ये बहुत ओल्ड फॉर्म ऑफ डांस है जिसमें बैम्बू स्टिक यूज की जाती है और जंप कर करके बैम्बू स्टिक्स पे और डांस किया जाता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, सो बहुत मजा आता है इस डांस को देखने में, है ना। चिराओ को करने में और देखने में बहुत मजा आता है। तो चिराओ हो गया मिजोरम का, मजा से मिजोरम, है ना। नहीं तो आप किसी को चिढ़ाते हो तो भी बहुत मजा आता है, तो चिढ़ाओ तो मजा आता है, तो चिराओ मिजोरम का हो गया। उसके अलावा देख लो जांगतलाम, सरलम काय जिसको सोलाकिया भी बोलते हैं, या चैलम, ये सारे मिजोरम के डांस फॉर्म्स हैं, लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, चिराओ का तो हो गया, है ना। चिराओ डांस करने में बहुत मजा आता है, नहीं तो किसी को चिड़ाओ तो बहुत मजा आता है। अगर किसी के चेले होते हैं, चैलम, किसी के चेले होते हैं तो बहुत मजा आता है, जो काम बोलो चेले कर देंगे, तो चैलम, है ना। और अगर सरल सरल सवाल आ जाए एग्जाम में तो बहुत मजा आता है, तो सरलम काय, सरल सवाल में क्या है अब भी बता देंगे हम, तो सरलम काय भी मजा देता है, तो मिजोरम हो गया। और जांगतलाम, जांगतालम के लिए कुछ भी करो, एक आध आपको करना पड़ेगा, है ना। चेलम जांगतालम मिलता जुलता है, तो आप सेट कर लीजिएगा दिमाग में। ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन आता है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का जो आपके लिए थ्रो किया जा रहा है। पहले क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है छऊ के बारे में कि किसमें मुखौटा नहीं पहनते। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, लायन एंड पीकॉक डांस कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है, यानी कौन से उत्तर पूर्वी स्टेट का डांस है लायन एंड पिकॉक डांस। जल्दी से कमेंट सेक्शन में खट 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 बताओ। और अब हम रिमेनिंग स्टेट्स कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, देखो ये वीडियो एक बार देख लोगे तो 75% काम हो जाएगा। रिमेनिंग 25% बस इतना करना पड़ेगा कि जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार बैठ करके रिविजन कर लो, बस, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं, इसी वजह से मैंने साउथ इंडिया नहीं डाला इस वीडियो में, है ना, वरना बहुत खिचड़ी बन जाती। और पर्पस ये नहीं है कि मैं सब कुछ एकदम से पढ़ा दूं, पर्पस ये है कि जितना जितना हम पढ़ रहे हैं वो दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मेघालय पे आ जाते हैं। मेघालय के डांसेस कौन कौन से हैं, लहो, शातसुक मेसिम, बगला, नोंग्क्रेम। ये रहा नोंग्क्रेम फेस्टिवल होता है बाकायदा मेघालय में। तो अब देखो मेघालय के लिए हमारा पिक्चर होगा मेघ यानी कि बादल, हाँ। तो हम बादल को क्या बोल रहे हैं, बादल लाओ, क्या लाओ, बारिश लाओ, बादल लाओ, है ना, लाओ ताकि सुख मिले लोगों को, है ना। बारिश आएगी तो शायद लोग सुख मिल जाए, तो शायद सुख मिनसैम हो गया, है ना। और बारिश आएगी तो बाग बगीचे भी लाएगी साथ में, तो बाग भी ला साथ में। मेघ ला, क्या ला, मेघ पूछ रहा है, तो बाग ला, है ना, सुख ला। और नॉनक्रेम थोड़ा सा सीधे याद रखना है, ठीक है। नो मत करना, नॉन क्रेम को आप ऐसे भी कर सकते हो, नो नहीं करें भाई, आप ले आए, ठीक है। तो मेघ ला लाहो, सुख ला तो शातसुख मेनसैम हो गया, बाग ला तो बगला हो गया, और नो मत करें, नो ना करें तो नॉन क्रेम हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट इज त्रिपुरा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नहीं, इसके बाद अभी असम भी आएगा, है। तो चलो त्रिपुरा, त्रिपुरा के कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं, बिझू, बिहू नहीं है ये, बिझू है, ध्यान रखिएगा, बिझू। बिझू का मतलब होता है चैत्र संक्रांति, जिसका मतलब होता है बंगाली कैलेंडर समाप्त हो रहा है। बंगाली एनुअल कैलेंडर जो होता है वो उसका एंड होता है ये, तो पूरे साल की जो भी कुछ हुआ उसके धन्यवाद देने के लिए, आगे आने वाले समय की मंगल कामना के लिए ये सारा डांस परफॉर्म किया जाता है। तो बिझू, बिझू त्रिपुरा का बिझू। फिर आता है गारिया, गरिया या गारिया हार्वेस्ट के टाइम किया जाता है। ओके, वांगला डांस हार्वेस्ट के बाद किया जाता है। अच्छा देखो, गारिया जब होता है, गारिया जब आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप सीड वगैरह डाल रहे होते हैं, है ना, हैप्पी हार्वेस्ट की कामना करने के लिए। जब आप कल्टीवेशन कर रहे होते हो तो हार्वेस्ट अच्छी हो उसकी कामना के लिए किया जाता है। और वांगला डांस है कि जब आपकी फसल कट जाती है तो पहली बार जब आप राइस खाते हो जो आपने उगाया है, और उस टाइम फिर ये डांस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और ये है वांगला, और ये बेसिकली वांगला फेस्टिवल होता है जिसमें 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है उसको, कि बिकॉज बहुत सारे ड्रम्स इस तरह से गले में लटका करके लोग डांस करते हैं, ठीक है। लेबांग, बोमानी, होजागिरी, हिक्तक। होजागिरी इज ऑल्सो फेमस इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म। हेबांग, लेबांग, बोमानी, ये सारे डांसेस हैं, ठीक है, याद करना है। चलो शुरू करते हैं। त्रिपुरा के लिए हमारा पिक्चर क्या है? हमारा मेंटल पिक्चर है ट्री। ओके, ट्री कब उगेगा? जब हम बीज डालेंगे, है ना। ट्री के लिए हमें बीज डालना पड़ता है, तो बीज से हो जाएगा बिजू। ओके, बिजू। अब बीज को बड़ा करना है तो बोलते हैं ना कि किसी को आप अच्छी अच्छी चीज़ें बोलोगे तो बहुत जल्दी बड़ा होगा। तो हम उस बीज को गाना सुना रहे हैं ताकि वो बूम कर जाए, गाना सुना रहे हैं ताकि वो बूम कर जाए। तो गारिया, ओके, और बूम से बुमानी याद रखिएगा। फिर आता है वांगला डांस, वांगला। अब वांगला के लिए तो देखो गला याद कर सकते हो आप, ये गले में लंबे लंबे इन्होंने ड्रम्स लगा रखे हैं और ये डांस कर रहे हैं, तो वांगला। तो बस त्रिपुरा, ये जब ट्री बड़ा हो गया ऐसे देख लो, नहीं तो इस ट्री के स्टेम जैसा या ट्रंक जैसा लग रहा है ना ये, हालांकि ट्री के ट्रंक से नहीं बनता है, आई नो, बट लग ऐसा ही रहा है ना कि हमने पेड़ के इस तने से ही ये ड्रम बना दिया और ये इन्होंने गले में लटका लिया है, तो वांगला, वन को ही गले में लटका रखा है। तो वांगला डांस आप ऐसे याद रख सकते हो। और होजागिरी, अच्छा गिरते किससे हैं हम? ट्री से ही गिरते हैं, है ना। और हिकहक डांस। तो ये सारे डांस फॉर्म्स आप ऐसे याद रख सकते हो। त्रिपुरा, त्रिपुरा में सबसे पहले क्या बीज डालना है, तो बिजू डांस हो गया। बीज को बड़ा करने के लिए हम गा रहे हैं, ये सब आपस में कनेक्ट हो गए, तो गारिया हो गया ताकि वो बूम कर जाए, तो बुमानी डांस हो गया। गले में डांस डाल के हम डांस कर रहे हैं तो वांगला हो गया। फिर हम गिर सकते हैं ट्री से, तो होजागिरी हो गया और हिकटक हो गया, हिकहक हो गया। ओके, मूविंग ओवर टू द लास्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि है असम। असम, ओके, असम के कौन कौन से फोक डांसेस हैं जल्दी से देख लेते हैं। बिहू, बिहू बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फोक डांस है, ये आपको मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, जैसे कि नट नाटन बिहार का आपको बिल्कुल मुंह पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके, छऊ डांस आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का मुंह पे चढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर से बिहू मुँह पे होना चाहिए। फिर आता है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा इज बेसिकली अ बटरफ्लाई डांस। ओके, आपसे क्वेश्चन किया गया था इंस्टा पे, परचम क्लासेस के इंस्टा पे, कि कौन से स्टेट को बिलोंग करता है बुगरुम्बा, बगरुम्बा डांस, जिसको बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं, एंड द राइट आंसर इज असम। ओके, बोडो कम्युनिटी इसको करती है। बिहू जो है वो मेन एंड वुमेन करते हैं और हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं इसमें। ओके, एंड दियोधनी, स्नेक गॉडेस मनसा की पूजा के समय किया जाने वाला डांस है। और भोर थाली नृत्य, झुमुर। झुमुर यहाँ के जो टी एस्टेट में काम करने वाले जो लोग हैं वो नृत्य करते हैं। नट पूजा, बिछुआ और होप जनाई, ये सारे डांसेस कहाँ के हैं? असम के हैं। ओके, ये है बगरुम्बा। बगरुम्बा इज बटरफ्लाई डांस, बहुत कलरफुल होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, और बटरफ्लाई जिस तरह से उड़ती हैं उस तरह से डांस डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। अब याद कर लेते हैं। देखो, आसाम के लिए हमारा पिक्चर क्या है? ऊपर वाला। आसमान में कौन रहता है? ऊपर वाला, यानी भगवान, है ना। किसी के घर में अच्छी बहू आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले ने बहुत अच्छी बहू भेजी है आपके यहाँ, ठीक है। वो लेडी की क्वालिटी तो गई साइड में, वो ऊपर वाले ने भेजी है। सो बिहू वैसे तो मुंह पे चढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छी बहू दी है आपको, तो बिहू डांस हो गया। बहू क्या पहनती है? अधिकतर जगहों पे, नॉट एवरीवेयर, लेकिन ट्रेडिशनल हिंदू कस्टम में बिछुआ पहनती है ना, तो आप बिछुआ डांस ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, देन बगुरुम्बा आप ऐसे याद रखिए। देखिए, जो तितली बटरफ्लाई डांस है, तो तितली कहाँ आती है? बागों में ही घूमती है ना, बाग में रंग बिरंगी तितली, तो बगुरुम्बा। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई डांस। और ऊपर वाला ही है जो सबको बनाता है, बहू को भी ऊपर वाले ने बनाया है, तितली को भी ऊपर वाले ने बनाया है, बिच्छू से भी बिच्छुआ आप याद रख सकते हो, तो बिच्छू को भी ऊपर वाले ने बनाया है। ओके, और ये देखो देवधनी, 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 देव कहाँ रहते हैं? ऊपर ही रहते हैं, आसमान, तो देवधनी का रिलेशनशिप भी ऊपर से हो जाएगा। भोर ताल नृत्य, भोर, सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद कीजिए, भोर में सबसे पहले भगवान को ऊपर वाले को याद करेंगे, तो भोर ताल नृत्य भी ऊपर वाले से यानी आसाम से रिलेट हो गया। झुमर, झुमर, नट पूजा, पूजा है, पूजा ऊपर वाले से रिलेट हो जाएगा, बिछुआ हो ही गया, और होप जनाई। ओके, तो सारे जनों को ऊपर वाले ने बनाया है। तो ये सारे डांस फॉर्म्स हो जाते हैं आसाम के। एक बार कोई रिविजन तो आपको लेना पड़ेगा अपने एंड से, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट लगेंगे, एक बार फटाफट से सारी ट्रिक देख लीजिएगा, क्वेश्चंस सॉरी डांस फॉर्म्स देख लीजिएगा और पूरा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा। नॉर्थ और वेस्ट पहले ही कर चुके हैं, सेंट्रल देख चुके हैं। आज अब सिर्फ बचता है साउथ इंडिया के फोक डांसेस जो कि हम लेकर के आएंगे थर्ड पार्ट में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड और उसके बाद यस क्वेश्चंस भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।